नौ नंबर की जर्सी का रिकॉर्ड इस समय रखने के लिए गया है और हैंड टच के जरिए यहाँ पर सेंटर के डिफेंडर को बाहर भेजा है। पहला पॉइंट पहले ही रेड में हापुर ने अर्जित कर लिया है। नागपुर खास 13 नंबर की जर्सी में रनिंग किक तो लगाई उन्होंने लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। समय रेड कर रहे हैं और रेड यहां से एमटी गई। आजाद रामपुर खास के बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका मैच ज्यादा देखा नहीं हूं लेकिन हापुड़ की भी टीम निश्चित तौर पर अच्छी टीम है जो बिल्कुल एक पेशेवर टीम दिखाई दे रही है और कल मैंने उनका मुकाबला भी देखा था, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया था। हालांकि दुर्भाग्यवश या कह सकते हैं बरिश्ता के अच्छे खेल की वजह से ये टीम कल फाइनल हारी थी। चलिए यहाँ पर रनिंग और बोनस प्लस वन पॉइंट का इशारा आ रहा है रेफरी का। रनिंग हैंड टच के जरिए यहाँ पर लेफ्ट कवर का सफाया किया उन्होंने। भैया खिलाड़ी मत बताए, रेफरी देख रहे हैं कितना पॉइंट होगा वो दिया जाएगा। दोनों रेफरी के बीच में डिस्कशन चल रहा है। सुपर रेड लगाई है इस रेडर ने। इस सुपर रेड के जरिए यहाँ पर वापसी का एक तरीके से कह सकते हैं कि जीत हो गया है। निश्चित तौर पर बोले की कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल कोई कमी नहीं है। समय के चुके दूसरा हाथ पूरा पड़ा हुआ है, इसमें भी मुश्किल 2 से 3 मिनट का खेल हुआ होगा। बोनस यहाँ पर दिया गया हापुड़ के रेडर को और यहाँ पर पॉइंट लेकर के गया है। एक पॉइंट और आ रहा है यहाँ पर टीम रामपुर खास के लिए। तो रामपुर खास भी अच्छा खेल दिखा रहे निश्चित तौर पर। बोनस प्लस वन टच पॉइंट टाइम आउट किया गया है। आजाद हापुड़ के खिलाड़ी टेक्निक अच्छा दिखा रहे हैं, हर मेरे पर अभी तक बोनस पॉइंट अर्जित किया है। बोनस लेने से रोक नहीं पा रही टीम रामपुर खास। उसका कारण यह है कि तफजुल भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो जो मिलना चाहिए डिफेंडर को वो नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बात भी है और दूसरा एक जो सुरक्षा घेरा बनाया जाता है वो भी देख रहा है, दिख रहा है कि उस तरह नहीं बना पा रही थी। बिल्कुल इसी की बात मैं कर रहा था, कहीं ना कहीं कमर ठीक दिखाई दे रही है जिसका नतीजा यह है कि लगातार लेफ्ट कॉर्नर या लेफ्ट इन या लेफ्ट कवर को शिकार किया जा रहा है लगातार। बोनस का टैप यहाँ पर जब तक कुछ समझ पाते हैं तब तक इस 9 नंबर की जर्सी के बिल्कुल बिल्कुल दोनों पैरों को भी उधर होल्ड किया गया और जब सामने से चेन बनाकर एक टाइमली सपोर्ट जो दिया गया उसकी वजह से रिजल्ट बाहर ड्रॉ कर दबाए गए। दोनों टीमों को कोई फर्क नहीं है, एक एक पॉइंट बोनस उधर है और उधर टैकल पॉइंट दिया गया है लेकिन फर्क ये पड़ा है कि मात्र 3 खिलाड़ी हापुड़ के कोर्ट में बचे हैं। ऐसा हालांकि सुपर टैकल तो यहाँ पर आन है लेकिन यहाँ से अगर कोई टच पॉइंट लेकर जाता है ये रेडर शकलेन है संभवतः जो बिल्कुल के साहबजादे है। निश्चित तौर से कबड्डी के वो बहुत जबरदस्त प्लेयर थे। इस समय शकलेन खेल रहे हैं रामपुर खास की तरफ। टाइम आउट तो रामपुर खास की तरफ से लिया गया है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, हालांकि अब जिस तरह ये तीसरा राउंड आप कह सकते हैं चल रहा है तो यहाँ से अब सभी मुकाबले एकदम हाई वोल्टेज और अच्छे मुकाबले होंगे। जो बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है, आपने सही और दुरुस्त फरमाया। जबकि तीसरा राउंड हो जो जिन टीमों में थोड़ी सी कमजोरी होती है तफजुल भाई वो फर्स्ट सेकंड राउंड में बाहर हो जाती है और जब थर्ड राउंड का मैच स्टार्ट होगा तो उसमें कोई दोहरा नहीं है कि टीमें मजबूत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल
और यहाँ पर एक टच पॉइंट और दिया गया है हापुड़ को। हालांकि वही खाए थे, दिए तो आप हमको जरूर थे लेकिन खाए वही से। लेकिन प्रेम भाई खुद जाते हैं तो हम लोग भाई का ये प्रेम है जो हम लोगों पे लगातार बना है। अच्छा ये प्रेम का प्रेम, वेरी गुड। इस समय लेडर हापुड़ जबकि पांच खिलाड़ियों के साथ डिफेंस कर रही है टीम रामपुर खास, तो बोनस है नहीं यहां पर, पांच के लिए डीप जाना पड़ेगा लेडर को और रेड यहां से संभवतः एम की जाएगी। भैया पॉइंट यहां पर लिखा जा रहा है, आप लोग बेफिक्र रहिए, आप अपने खेल पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता दूं स्कोरर इमरान का काम ही यही है, वो बहुत दिनों से इस काम को संभाल रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 35 सालों का अनुभव है। एक पॉइंट मिला है तो 6 खिलाड़ी हो चुके हैं, 6 खिलाड़ी समय रामपुर खास की कोर्ट पर, तो घोड़ासान है लेडर, दो टच का टैंप संभवता शिकार कर लिया है उन्होंने राइट कॉर्नर का दो टच के जरिए। ये बिल्कुल एक पॉइंट और आ रहा है यहाँ पर हापुड़ के लिए। इसको 10 पॉइंट है हापुड़ के पास जबकि 6 पॉइंट है रामपुर खास के पास। हालांकि 4 पॉइंट की लीड कोई बड़ा माने नहीं रखते, तो बंदुल भाई अभी भी दूसरा हाथ पूरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल 1 पॉइंट को ले गया यहां से रेडर। अब वो लीड वो हदक मात्र 3 पॉइंट का है, हालांकि अभी दूसरा हाथ पूरा पड़ा हुआ है और ये हाथ पहला हाथ चल रहा है। अटैप यहां पर किया गया रेडर के द्वारा बोनस के लिए, लेकिन क्या मिला है, बोनस रिसीव हो गया या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वाह क्या बात है, बिल्कुल खूबसूरत टेक्निक यहां पर रेडर के द्वारा, 1 टच पॉइंट। हालांकि 5 ही खिलाड़ी है इस समय हापुड़ की कोर्ट पर, तो बोनस है नहीं, पॉइंट चाहिए तो आपको डीप जाना होगा, तो भी टच पॉइंट ही मिल सकता है। इस समय लेडर पूरी कोशिश कर रहा है कि पॉइंट लिया जाए, क्या इसको जोर कोशिश के बावजूद भी खाद खाली रहेंगे उनके, रेडियम की जाएगी तो बिल्कुल यहां से रेडियम की जाती है। लगातार नंबर की जर्सी का रेडर लगातार रेड की जिम्मेदारी संभाल रखे हैं, क्योंकि 5 खिलाड़ियों के साथ इस मैच में अच्छा किया गया है। अब इस तरीके से तो बदुल भाई कहीं ना कहीं ये स्कोर तय कर रहा है, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह चुंबक की तरह वहां पर चिपकाया रेडर को कि चुंबिश तक नहीं कर पाया रेडर को, कोई चुंबिश नहीं खा पाए, वो अपनी जगह से तसमस नहीं हो पाए। सकलैन एक बार फिर से रेड पर है, पिछड़ते हुए टीम यहां से सकलैन भी लेकिन 1 पॉइंट लेकर जाते हुए फिर किया था यहां पर। आया मैच एक बात बदुल भाई फिर से रिपीट कर लीजिए, अगला मैच होगा जो शीतला ने महसूस मैच होने वाला है, तो बदुल भाई कहीं ना कहीं बिल्कुल सबसे बड़ा मुकाबला है टूर्नामेंट को, फाइनल के धोले का फाइनल एक तरीके से कहा, अंतिम मिनट पहले हाफ का चल रहा है, दोनों टीमों में रणनीति भी अच्छी है। अंतिम मिनट इस मैच का चल रहा है, सॉरी इस पहले हाफ का चल रहा है, वो इस वजह से हम कह रहे हैं तो बदुल भाई कहीं ना कहीं उसमें से जो टीम जीतेगी इसके बाद जो मैच होगा वो फाइनल का तक का सफर आखिरी फाइनल का है, फाइनल की दावेदार भी होगी वो टीम। फिलहाल ये मैच है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन था, मेरी व्यक्तिगत राय थी, अंतिम है आपका अंक पहले की 10-11 का स्कोर, यानी कि 1 पॉइंट की मात्र लीड है हापुड़ के पास और मौका यहां पर बना है, तो बदुल भाई कहीं ना कहीं रामपुर खास के लिए कि ऑल आउट अगर देने में कामयाब हो गए तो फिर इसमें